हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, आज के इस लेक्चर में ये हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर से लास्ट टॉपिक माना जाता है, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो एक्सक्रीशन टॉपिक है हमारा, इसका जो इसका पूरा जो सिस्टम है एक्सक्रीशन का, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी टॉक्सिक वेस्ट सबस्टेंस होता है उसे बॉडी से गाइस रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी टॉक्सिक वेस्ट को उस किसी ऑर्गेनिज्म बॉडी से रिमूव करेंगे, निकाल के अलग करेंगे, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे स्वेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और जो मेन माना जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट माना जाता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है गाइज, वो स्पेशली मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जैसे हम लोग यूरिन की फॉर्म में जानते हैं। तो उसे बॉडी से पास आउट करना, एक्सक्रीशन कहलाएगा। स्वेटिंग हो रही है, पसीना बाहर आ रहा है, ये भी एक्सक्रीशन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये भी एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो हमारा लीवर, हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट, खास करके यूरिया, यूरिक एसिड, उसको बाहर निकालने के लिए किडनी को देता है, और किडनी उसको फिल्टर करती है, तब कहीं जाके यूरिन मिलता है। तो जो हमारा लीवर है उसका भी काम एक्सक्रीशन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन लोअर एनिमल्स। जो हमारे लोअर एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या क्या लगा हुआ है कंपेयर टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन सबसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम लगा हुआ है गाइस। लेकिन लोअर एनिमल्स में क्या, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा, पैरामीशियम एक्सक्रीट CO2 बाई सेल मेम्ब्रेन, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया रिमूव्ड बाई कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। देखो, ये CO2 को तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सक्रीट करेगी, जबकि अमोनिया को, इनसे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होगा बाहर, वो अमोनिया की फॉर्म में होगा। तो ठीक है, तो वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, एक वैक्यूल होता है, थैली होती है जो सिकुड़ती है, उससे बाहर निकलेगा। सेकेंड है, एक्सक्रीशन अकर बाई फ्लेम सेल्स इन अ फ्लैट वॉर्म। जो प्लेटी एलमेंटीज के जो मेंबर हैं, उन मेंबर्स में फ्लैट वॉर्म में इस काम के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? फ्लेम सेल्स होती हैं। जो फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो टीनियस ओलियम में भी देखी जाती है, A1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से बेटा, जो हमारा जो अर्थवॉर्म है, ये मॉइस्ट स्किन से भी करता है एक्सक्रीशन, और नेफ्रीडिया नाम की स्ट्रक्चर भी इसके अंदर देखी जाती है। नेफ्रीडिया का काम बिल्कुल ह्यूमन की किडनी के जैसा ही होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है नेफ्रीडिया, ये भी एक्सक्रीशन करती है। और जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, उनमें स्पेशली मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इनमें 7 से 8 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनको हम मैल्पिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं बेटा। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए हैं, ये लोअर एनिमल्स में उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, जिन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपकी एक्सक्रीशन की डेफिनेशन थी, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किसी ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम स्पेशली यूरिन कहते हैं, वो यूरिया की फॉर्म में हमारी ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो उस यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करके किडनी की हेल्प से बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हमने इसका एक तरीके से इंट्रो दिया हुआ है। अगले लेक्चर में हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेनली बात करेंगे।